आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्राफ्ट बॉय में। तो आज हम बनाएंगे एक झूमर। जी हाँ, एक झूमर आप कोई भी कलर का बना सकते हैं। आप यहाँ का भी डेकोरेशन के लिए लगा सकते हैं, जैसे अभी दिवाली डेकोरेशन के लिए अपने रूम में या कार पे भी लगा सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हमें लगेगा एक स्क्वायर पेपर। आप कोई भी साइज का और कोई भी कलर का ले सकते हैं। उसको इस तरह आप दो बीच में से फोल्ड करके ट्रायंगल बना लीजिए और फिर से वैसे ही कीजिए। इसे अच्छे से प्रेस कर लीजिए हाथों से। यह कुछ इस तरह का हो जाएगा, एक छोटा ट्रायंगल बन जाएगा। तो अभी आप यह पेपर लीजिए और आप इस पे लाइंस बना लीजिए पेंसिल से। आप स्केल की मदद ले सकते हैं। कोशिश करें थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे लाइंस बनाएं। आधे आधे सेंटीमीटर पे आप बना सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। तो जैसे कि मैं ये लाइंस बना रहा हूँ, एक ऊपर से अलग से एक लाइन बना लीजिए, उसके बाद उसके नीचे उससे परपेंडिकुलर से लाइंस बनानी है। एक ऊपर से लाइन और बाकी सब नीचे से, इस तरह लाइंस। जी हाँ, कुछ इस तरह। तो ये मेरा पेपर तैयार हो गया कुछ इस तरह से। यह वही पेपर है। अब आपने जहाँ पे लाइन बनाई है उसे काटना है। ध्यान रहे ऊपर की जो हमने थोड़ी स्पेस पे लाइन बनाई थी वह नहीं काटनी है, उसके नीचे से हमें लाइंस काटनी है। ऊपर से जॉइंट ही रहेगा। तो आप पेपर कटर या सीजर से यह लाइंस काट सकते हैं। अच्छे से आप ये काट लीजिए। कुछ इस तरह आपको सारी लाइंस काटनी है। तो मैंने ये सारी लाइंस काट लिए। अब हमें इस पेपर को फिर से खोलना है। इस तरह आप खोल लीजिए, पूरी तरह से खोल लीजिए जैसे वो फिर से स्क्वायर पेपर दिखेंगे। तो हमारा कुछ इस तरह का पेपर तैयार हो जाएगा। अब आपको एक ग्लू लेना है और कुछ इस तरह एक एक लाइन को चिपकाना है। एक इस साइड से तो दूसरी अपोजिट साइड से लेनी है। ध्यान रहे वही स्ट्रिप लेनी है आपको। इस तरह आपको एक लाइन चिपकानी है, दूसरी छोड़नी है, और एक चिपकानी है और एक छोड़नी है। जैसे मैंने एक बीच में छोड़ दी है, फिर एक चिपकाई, फिर यहाँ से भी एक छोड़ेंगे एक चिपकाएंगे। ऐसे आपको पूरे लाइन्स चिपका लेनी है।
इस तरह सारी लाइंस चिपकाने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब आपको उसे उल्टा करना है और दूसरे तरह से भी वैसा ही करना है। तो ग्लू लीजिए और उस इसी तरह आप दो दो स्ट्रिप को चिपकाते जाइए। तो मैंने यह सारी स्ट्रिप चिपका दी है। तो कुछ इस तरह से हमारा झूमर बन गया है ना, एकदम अच्छा। अगर आपको यह झूमर पसंद आया, आप कहाँ भी डेकोरेशन के लिए लगा सकते हैं। आप इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हैं, डेकोरेटिव लेस, इससे वह और भी अच्छा लगेगा। तो अगर आपको यह वीडियो और यह झूमर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई सजेशन देना हो तो कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।